पर्वतों पर कम ताप पर ही जल क्यों उबलने लगता है, ये हमने बताया। देखो जल का उबलना जो है ना, ये किस पर निर्भर करता है? जल का उबलना जो है यह दो बातों पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने बताया यहां पर तुमको कि जल का उबलना, देखना जरा और से देखना कि जल का उबलना दो बातों पर निर्भर करता है। सपोज ये हमारे कंटेनर में जल है, अब जल उबलेगा कब उबलेगा यह दो बातों पर निर्भर करेगा। ये जल है हमारे कंटेनर में, एक तो ऊपर से काम कर रहा है, जल के ऊपर में वायुमंडलीय दाब क्या काम कर रहा है, वायुमंडलीय दाब काम कर रहा है, और नीचे से अगर इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे तो एक इधर से बल लगेगा जो जिसको हम लोग वाष्प दाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाष्प दाब। देखो वाष्प बाहर निकलने के लिए, जैसे ही गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा और वाष्प बाहर निकलने के लिए एक बल लगाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाष्प दाब बोलेंगे। अब समझो बात। जल तभी उबलेगा जब वाष्प दाब ज्यादा हो वायुमंडलीय दाब से। तो अगर वायुमंडलीय दाब ज्यादा हो तो इसका मतलब वाष्प दाब भी ज्यादा चाहिए, और वाष्प दाब ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर हमको बढ़ाना पड़ेगा। अगर वायुमंडलीय दाब कम है तो वाष्प दाब भी कम लगने वाला है, और वाष्प दाब कम रखना है तो टेम्परेचर भी कम चाहिए। इसलिए ऐसा होता है पर्वतों पे जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता है, कम टेम्परेचर पे जल उबलने लगता है। तो हमारे सराउंडिंग में देखेंगे, आसपास में देखेंगे सामान्यतः, तो वहां पर वायुमंडलीय दाब जो होता है वहां पर 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना शुरू होगा। बातें समझ में आ गई? चलो ये हो गया तुम्हारा उत्तर, देख सकते हो आगे बढ़ते।